अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जजेस का मामला है। जिन जजेस ने, 6 जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा है, उस पर हामिद मीर ने बहुत ही दबंग किस्म का तजिया किया है। उन्होंने पाकिस्तान की जितनी भी तमाम एजेंसीज हैं सबको नंगा करके रख दिया है। उनका ये कहना है कि जजेस तो अपने घर में महफूज नहीं है, ये लोग उनके घरों में जाकर कैमरे लगा देते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो हामिद मीर ने यही समझ लें कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो आइए पहले हामिद मीर साहब की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे मामले पे बात करनी है जिस पे पूरी दुनिया में बात हो रही है, और जिस मामले पे पूरी दुनिया में बात हो रही हो और पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो उस पे सवालात उठा रहा हो, तो उस पर अगर ये बंदा नाचीज़ भी कुछ इजहार ख्याल कर दे तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मज़ायका नहीं है। मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का। खत उन्होंने लिखा जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब ने उन जजेस के साथ मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया। फुल कोर्ट इजलास बुलाने के बाद उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की और तय ये पाया कि जो 6 जज साहबान हैं उनकी जो शिकायात हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, और कमीशन की सरबराही कोई आला अदलिया के रिटायर्ड जज साहब करेंगे। अब मामला जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान है, लेकिन मैं इसमें बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये जो कमीशन का खेल है, ये खेल तो पाकिस्तान में बहुत पुराना है, और बहुत से अहम मामलात की इंक्वायरी के लिए बहुत से कमीशन बने, और कुछ कमीशन जो हैं उनकी रिपोर्ट तो आज तक नहीं आई। अगर एक सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज साहबान के साथ मिलके एक कमीशन के तहत इंक्वायरी शुरू करता है और उसकी रिपोर्ट नहीं आती, तो मैं तो ये सवाल उठाने में हक बजानब हूँ ना कि ये जो 6 जज साहबान हैं इनकी शिकायत को एड्रेस करने के लिए अगर एक रिटायर्ड जज साहब जो हैं वो एक कमीशन की सरबराही शुरू करेंगे तो क्या वो इन जज साहबान को इंसाफ दे पाएंगे? तो मेरा आज जो सवाल है वो ये है कि ये जो कमीशन है इसकी सरबराही रिटायर्ड जज साहब क्यों करेंगे, इसकी सरबराही सिटिंग जज साहब क्यों नहीं कर सकते, और कमीशन की बजाय सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की इंक्वायरी क्यों नहीं करती? क्योंकि मिसालें मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इस किस्म के वाकयात पे सो मोटो एक्शन लिया, आज खुद कार्रवाई की, तो क्यों मैं ये सवाल क्यों उठा रहा हूँ? इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज साहबान हैं इनको जल्द और फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इनको जल्द और फौरी इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आपको और मुझे जल्द फौरी इंसाफ कैसे मिलेगा? जिस मुल्क में जज साहबान जो हैं वो कह रहे हैं जी कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो हैं वो हमारे बेडरूम्स में घुस के और हमारी जो नकलो हरकत है उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग करती हैं, तो उस मुल्क में जो आम शहरी है उसकी प्राइवेट लाइफ जो है वो कितनी महफूज होगी? और मेरी इतला के मुताबिक ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान का कंसर्न नहीं है, कम अज़ कम 2 और हाई कोर्ट्स हैं उनके भी कुछ जज साहबान जो हैं उनको भी इसी तरह की शिकायत हैं, और वो भी एक खत का ड्राफ्ट बना के बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 हो जाएं, 3 से 4 हो जाएं, पता नहीं वो उनके जो खतूत हैं वो सामने आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये खत तो सामने आ गया ना 6 जज साहबान का। और ये सिर्फ इन 6 जज साहबान का ज़ाती मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के हर उस शहरी का मसला है जो कि पाकिस्तान में आईन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है और नहीं गुजार पा रहा। अब आप ये कह रहे होंगे कि हामिद मीर जो है वो 6 जज साहबान जो है उनके खत की बुनियाद पर कोई अपना कोई एजेंडा वो चलाना चाह रहा है। मेरा कोई अपना एजेंडा नहीं है, लेकिन मेरे कुछ ज़ाती कंसर्न्स ज़रूर हैं। वजह उसकी ये है कि जब हम आईन और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और हमारी जो आईनी हकूक़ हैं जब उस पर कुछ जद पड़ती है या कोई हमें कहीं पर मसला दरपेश होता है, हमारे जो आईनी हकूक़ हैं उनकी खिलाफवर्जी होती है, तो हम किधर जाते हैं? हम अदालतों के पास जाते हैं ना। तो अगर अदालतें ही हमारा मसला
एड्रेस करने के काबिल ना हो तो फिर हम किधर जाएंगे? तो फिर उस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी तो नहीं होगी ना, उस मुल्क में फिर हुक्मरानी उसकी होगी जिसके पास ताकत है, जिसके हाथ में बंदूक है, और यही आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। मुझे एडवाइस दी गई, हुक्मनामा जो है उसको मैं एडवाइस का लफ्ज दे देता हूं कि आप जब इस वाक्य का जिक्र करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है उसकी स्क्रीन पर चीनी इंजीनियर्स का लफ्ज नजर नहीं आना चाहिए, इसको आप कर दें गैर मुल्की इंजीनियर्स। मैंने कहा भाई मुल्क का वजीर आजम जो है उस दहशतगर्दी के वाकये के बाद चीनी सफारतखाने में गया, इजहार अफसोस किया। मुल्क का वजीर दाखला जो है उस वाकये के बाद चीनी सफारतखाने गया, उसने अफसोस किया। और टीवी चैनल्स पर खबरें चल गई हैं, हर पूरी दुनिया में सबको पता है कि चीनी इंजीनियर्स पर हमला हो गया, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि जनाब नहीं, आपने ये चीनी इंजीनियर्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, इससे जो है मुल्क में जो है वो सरासीमगी फैलती है, अफरा तफरी फैलती है, और आप जैसे लोग जो हैं वो मुल्क में इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं। अब हमला तो हमने नहीं किया, हम तो सिर्फ उस हमले को रिपोर्ट कर रहे हैं और उसकी मजम्मत करना चाहते हैं, और मजम्मत करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये कहें कि बशाम में जो चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन जनाब ये लफ्ज़ जो है आपके स्क्रीन पर नज़र नहीं आने चाहिए कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी कुछ इस किस्म के वाकयात होते थे कि जी आपने फलां सियासतदान का इंटरव्यू करना है और फलां का नहीं करना, और अगर आपने मौलाना फजलुर रहमान का या मरियम नवाज का इंटरव्यू कर लिया है या आसिफ जरदारी का इंटरव्यू कर लिया तो वो ऑन एयर नहीं जाएगा। क्यों जी? ये तो अंडर ट्रायल मुलजमान हैं, और जो फलां साहब हैं जी उनकी शक्ल जो है वो हुकूमत को पसंद नहीं है। तो हम इसकी मजम्मत करते थे। जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में पैमरा ने हुक्मनामा जारी किया कि जी नवाज शरीफ साहब का ना को बयान चलेगा, ना तस्वीर चलेगी, ना वीडियो चलेगा, हमने उसकी मजम्मत की। अब तो पैमरा ने कोई ऐसा हुक्मनामा जारी भी नहीं किया, लेकिन आप ये देखें कि हम इमरान खान साहब जो हैं उन पर अगर तनकीद भी करनी हो तो ना उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं और ना ही उनकी वीडियो दिखा सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ओथ लेते हैं बतौर वज़ीर आज़म और किसी टीवी एंकर ने या किसी न्यूज़ एंकर ने अपने प्रोग्राम में बताना है जी कि आज तक पाकिस्तान में इतने प्राइम मिनिस्टर आए और इतने चले गए, तो उसके लिए अब उन्होंने सबकी तस्वीरें दिखानी हैं, तो आप लियाकत अली खान से लेके और शहबाज शरीफ तक आप सबकी तस्वीर दिखाएंगे, इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते। अब ये कौन सा कानून है? ये कोई कानून नहीं है। ये इस सिलसिले में किसी अदालत ने कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया, कोई पैमरा का हुक्मनामा नहीं है, लेकिन एक अनरिटन एडवाइस है, एक गैर एलानिया सेंसरशिप है, और हम ये काम जो है करने पे मजबूर हैं कि जनाब अगर आपने नौकरी करनी है अपने टीवी चैनल पे तो इमरान खान की तस्वीर और इमरान खान की वीडियो नहीं दिखानी। हाँ कुछ हम जैसे गुस्ताख जो हैं वो इतना कर देते हैं कि उनका नाम ले लेते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं दिखा सकते। तो इससे क्या कोई इमरान खान को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? मेरा तो ख्याल है कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनको फ़ायदा हुआ है, और ये इस किस्म की पाबंदियां लगा के उनको मजलूम बनाया गया और उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया गया। अब अदालत जो है उसमें अगर आप जाएंगे, जैसा कि बहुत से लोग गए अदालत में, तहरीके इंसाफ भी अदालत में गई और अदालत ने कहा कि जी ये जो पाबंदी है ये गैर जरूरी है, हुकूमत ने भी जाकर अदालत में कह दिया जी कोई पाबंदी नहीं है। जब भी किसी वजीर इतलात से पूछा जाता है वो कहता है जी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पाबंदी तो है। तो ये जो एक कंफ्यूज्ड स्टेट बनाई जा रही है, एक कंफ्यूज्ड रियासत बनाई जा रही है, जिसमें के जो वक्त की हुकूमत है वो ये कहती है जी कि इमरान खान की तस्वीर और वीडियो दिखाने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन टीवी चैनल नहीं दिखा रहे, इसका मतलब है कि हुकूमत तो किसी और की है। तो यही मसला इन जज साहिबान का भी है, और वो भी ये कह रहे हैं जनाब कि हम आइन और कानून के तहत अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत हो रही है, और उसका उन्होंने इशारा भी किया। और ये क्यों जज साहबान जो हैं ये क्यों खत लिखने पे मजबूर हुए हैं? क्या ये इनका सिर्फ जाती मसला है? एक और भी मिसाल देता हूं मैं। अब पाकिस्तान का तकरीबन हर पढ़ा लिखा शहरी जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, और
एक्स जो है उस पर पाकिस्तान में 2-2.5 महीने से पाबंदी है, जिसको पहले ट्विटर कहते थे। तो सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट ने इस मामले को उठाया और हुकूमत से पूछा जी कि ये बताएं कि आपने एक्स पर पाबंदी क्यों लगाई हुई है। हुकूमत ने कहा जी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पाबंदी थी। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट, फिर जनाब पिशावर हाई कोर्ट, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हर जगह पे हुकूमत यही कह रही है कि जी कोई पाबंदी नहीं। फिर काफ़ी दिन के बाद हुकूमत कहती है हाँ जी हाँ हमने पाबंदी लगाई थी, हमें कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया था जी कि जो एक्स है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। और तो उसके बाद अदालत ने कहा इस पाबंदी को ख़त्म करें, पाबंदी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है कि आपने देखा होगा कि VPN लगाए बगैर आपका जो एक्स है, आपका ट्विटर है, वो काम नहीं करता। तो अब अदालतें कह रही हैं कि जनाब पाबंदी ख़त्म करें, क्योंकि इससे न सिर्फ एक आम शहरी के जो हकूक हैं वो मुतासर हो रहे हैं, लोगों का बिजनेस मुतासर हो रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए तो बहुत से लोग अपना बिजनेस भी चलाते हैं। ऑफ कोर्ट का नोटिस दे दिया असलम बेग को। बेग साहब जो हैं जी, उनको अदालत में बुलाया गया तो बेग साहब ने कोई वजाहत नहीं की, कोई उसकी तरदीद नहीं की, कोई उन्होंने माजरत नहीं की। उन्होंने वो अपने बयान पे कायम रहे, उन्होंने कहा ऐसे ही हुआ था, मैंने बिल्कुल मैसेज भेजा था। तो अब जज साहबान क्या करते, जज साहबान को चाहिए था कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया है, कार्रवाई शुरू कर दिया है, सजा देते, असलम बेग साहब को सजा देते। नहीं दी सजा, कोई सरजनश की, कोई सख्त जुमले बोले और छोड़ दिया, कहा जाएं आप जाएं। अच्छा, अब ये जो 1993 जी, तो नाजरीन आपने हमन मीर साहब की बातचीत सुनी। तो हमन मीर साहब का कहना है कि जजेस के हथ वाला मामला जो है इस पर कमीशन बना दिया गया है। मैं ये कहता हूं कि ये कमीशन कमीशन खेलना जो है वो बंद करें और कोई काम की बात करें या काम करके दिखाएं, क्योंकि कमीशन का मामला जो है ये बहुत देख चुका हूं मैं। मेरे ऊपर भी अटैक हुआ था और कमीशन बना था नवाज शरीफ के दौर में, तो क्या बना आज तक मुझे नहीं पता, तो किसी और को क्या पता होगा। उसामा बिन लादन वाले मामले पर भी कमीशन बना जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, जजेस को भी नहीं पता। तो अब इस बारे में भी कमीशन बनेगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जजेस को इंसाफ मिलना चाहिए, जिस मुल्क में जजेस को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम अवाम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हमें भी इंसाफ मिलेगा। यकीन जानिए कि हमें वीर साहब ने बहुत ही कड़ी तनकीद की है एस्टेब्लिशमेंट पर और एजेंसियों पर। तो ये था जी आज का प्रोग्राम, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।